और इस बीच आप उसी दिल्ली चलेंगे ओवैसी। इस वक्त राम मंदिर निर्माण के बीच मस्जिद का चल रहे हैं और ओवैसी ने कहा कि हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है। जवाब में गिरिराज सिंह ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया है। फिर से ओवैसी का जवाब भी बयान सुनिए। औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हुई? ऐसा सा कर रहे हैं आप लो अपना कौन रोकना मर्ग से बदतमीजी कर कैसा होगा किसी को? हाँ ठहरो ठहरो, हाँ पकड़े 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 हुए, चलिए सर। गिरिराज सिंह ने आज तक पे बात करते हुए कहा है कि मस्जिद भी आर आल्सो अंडर अटैक एंड आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होके लड़ना चाहिए। आपके बयान को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है और कम्युनल माना जा रहा है और आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है सर? देखिए, केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबनी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डेमोलिश नहीं किया गया था? और जब डेमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या यह बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त अप्रिहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इन्फेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया, तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं, तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनके आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूं कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौकफ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे? खत्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा। और